हे गाइस, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। और आज मैं आपको बताने वाली हूं एक ऐसी फिल्म ऋषि कपूर की जो आज से 27 साल पहले आई थी और जिसने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई दी थी। जी हां, किसी ने सोचा नहीं था कि अगले 27 साल के बाद आज ही के दिन क्या होने वाला है। लेकिन आज से जो 27 साल पहले फिल्म आई थी वो है दामिनी, जो 1993 में रिलीज हुई थी, जो ऋषि कपूर और मीनाक्षी इन सब की वन ऑफ द बेस्ट हिट फिल्म थी, जो साल भर सबसे ज़्यादा अगर आप कह सकते हो तो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन इस पूरे साल में इसी मूवी ने किया था। तो चलिए मैं बताती हूँ कुछ डिटेल्स अबाउट दामिनी। दामिनी की कहानी सबको पता है कि ये जिस तरीके से हमने देखा है शेखर गुप्ता और इसमें सनी देओल जो है वो एक लॉयर का कैरेक्टर प्ले कर रहे, जिनका नाम गोविंद है। तो शेखर गुप्ता जो है वो ऋषि कपूर है, कैसे ऋषि कपूर को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है दामिनी से यानी मीनाक्षी से, एंड देन दोनों शादी कर लेते हैं। एंड देन एक दिन मीनाक्षी को पता चलता है कि उनके उनकी जो मेट है, उनके हाउसमेट है, हाउसमेट के साथ उनका रेप करने की कोशिश कर रहे हैं। वेल, वो तो हॉस्पिटल में मर जाती है, लेकिन जब बचाने के लिए जाते हैं ऋषि कपूर और मीनाक्षी, तब तक तो बहुत लेट हो चुकी रहती है। एंड हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनका निधान हो जाता है, उनकी मेट का। तो इसके ऊपर गुप्ता फैमिली जो है, शेखर गुप्ता यानी ऋषि कपूर, उनकी फैमिली सोचती है कि ये चीज़ें बाहर ना निकले, अंदर ही सॉल्व हो जाए। लेकिन जो मीनाक्षी है, यस मीनाक्षी ने दामिनी जो बनी है वो सोचती है कि ये चीज़ ऐसी नहीं, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। एंड देन वो इंसाफ के लिए जाती है, पुलिस कंप्लेन करती है, फिर बहुत सारे ड्रामे होते हैं। ड्रामा के बाद फिर उन्हें उनको टॉर्चर किया जाता है, फिर वो वहाँ से हॉस्पिटल से भागती है कि कोर्ट केस होता है। देन वो मिलती है भागने के बाद हमारे लॉयर से यानी सनी देओल से, गोविंद से मिलती है, एंड देन गोविंद उनके केस लड़ते हैं। और ये सारी जो फैमिली ड्रामा है ये उस समय गाइस 1993 में ये बहुत ही बड़ी कल्ट फिल्म थी जो फेमिनिस्ट को रिप्रेजेंट करती थी। जी हाँ, फेमिनिज्म आज से ही नहीं, ये बहुत टाइम से चलते आ रहा है, और ये उस टाइम की एक स्ट्रॉन्ग मूवी थी जिसके लिए बहुत अप्रिसिएशन और वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ मीनाक्षी को कहा गया था। उनकी उनके रोल देख के, उनका कैरेक्टर देख के उनको बहुत ही तारीफ मिली थी, सब एक्टर्स को मिली थी। तो चलिए हम बात करते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर की। तो इस फिल्म के डायरेक्टर है राजकुमार संतोषी, ये तो आप सब जानते हैं। और जैसे कि अवार्ड्स की बात करो तो इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, लेकिन दो ऐसे अवार्ड हैं जो आप देखोगे हर जगह मेंशन होते हैं। एक है फिल्म फेयर अवार्ड, इस फिल्म को मिला था, दूसरा नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड। जी हाँ, नेशनल फिल्म अवार्ड विनिंग, नेशनली बोल सकते हो आप, इस मूवी को अवार्ड मिला गया था, रिप्रेजेंट हुए थे फॉर बेस्ट सपोर्टिंग रोल। तो वेल, अगर मैं बॉक्स ऑफिस की बात करूँ तो 1993 में ये 100 क्लब, 200 क्लब, करोड़ ये सब नहीं होते थे उस टाइम पे, मूवी हिट फ्लॉप ऐसे ही काउंट होती थी। लेकिन उस ज़माने में बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 11.75 करोड़ कमाए थे। जी हाँ, आज से 27 साल पहले ये पिक्चर ने 11.75 करोड़ कमाए थे बॉक्स ऑफिस पर। सो गाइज, ये थी एक ट्रिब्यूट या आप कह सकते हो या फिर एक ऐसी फ्लैशबैक या यादें जो आज से 27 साल पहले हुई थी, जो ऋषि कपूर की आप कह सकते हो टर्निंग पॉइंट थी। उसके बाद उनकी लाइफ चेंज हो गई थी, एंड आज आज वो हमारे साथ नहीं रहे, एग्जैक्टली वही दिन है। सो आज से 27 साल पहले, लेकिन एक अजूबा एक करिश्मा हुआ था दामिनी फिल्म के साथ। सो गाइज, आप लोग मुझे बताइए कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है ऋषि कपूर की, जो आप देखना पसंद करते हो या फिर आप उसे बार बार देख सकते हो। एंड ये भी आप बताना कि उनके से कोई डायलॉग्स या गाने जो आपके पसंद है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। एंड वेल, उनकी पूरी अपडेट हम आज आपको दे चुके हैं। अगर कोई भी चीज़ आपकी मिस हुई हो, कोई फ्यूनरल का वीडियो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन, तो गाइज़ आप हमारे चैनल पर सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिए। थैंक यू।